आने वाले समय में बीजेपी लाबो परिवर्तन करबो। तब विधायक से हम लोग मिल भी नहीं पाते थे, अभी तो वो ऐसे आते हैं कि वो हमारे परिवार के हैं, कोई ऐसी इस टाइप में आते हैं। अरे भैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम पैदा नहीं हो तब के हूँ। पांडे कार्यकाल तो इसे ठीक है, बड़े नेता है नहीं क्या, बाकी अभी एकर कार्यकाल अभी सही चला था। घोटाले भी किए हैं, उनको भी यही देखना पड़ेगा, जो शराब घोटाला हुआ है, जो व्यापम घोटाला हुआ है, तो सबको भी देखना पड़ेगा अपने को क्या के उसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है। पांडे जी का एक संभावना है, लगत है हो। लहर से आदमी मन अपन राजनेता नहीं चुनना चाहिए, है ना, अपन जन नेता नहीं चुनना चाहिए, ओकर कार्यकाल। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कवरेज में आप मन के स्वागत है। जैसे कि आप मतलब पता है छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है उकर तारीख आ चुके हैं बे, कुछ दिन में चुनाव होने वाला है बे। जिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के जिन नेता है राजनेता है तीन मन अब लोगन मन से अब रूबरू हो था बे, उकर मन से जुड़ा था बे सीधा। उसी सिलसिला में हमारे टीम छत्तीसगढ़ कवरेज आज छावनी क्षेत्र में है, जिन भिलाई नगर विधानसभा माथे है, यहाँ के जिन लोग हावे ओकर मन से हम गोड बात करबो, जानबो एकर मन के विधायक के प्रति का प्रतिक्रिया है बे, सरकार के प्रति का प्रतिक्रिया है, आने वाला समय में कैसन विधायक के मन चुनना चाहते सब लोग जानने की कोशिश करबो। बने रहो हमारे चैनल में। क्या नाम है? प्रशांत सिंह। वोटिंग वगैरह करते हो? हाँ वोटिंग। कैसा आपके क्षेत्र में माहौल? माहौल तो ठीक है, काम अच्छा हुआ है, सही बार अच्छा काम हुआ है, लेकिन दोनों में टक्कर रहेगा, तो माहौल अच्छा है, काम भी अच्छा हुआ है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो युवा हो आप, सरकार से कितने संतुष्ट हो? नहीं, सरकार ने तो काम बढ़िया किया है, काम बढ़िया किया, लेकिन जो घोटाले भी किए हैं उनको भी यही देखना पड़ेगा, जो शराब घोटाला हुआ है, जो व्यापम घोटाला हुआ है, वो सबको भी देखना पड़ेगा अपने को क्या उसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है, तो उसके हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, आपके क्षेत्र में जो विधायक अभी वर्तमान में है वो भी युवा है? हाँ, आने वाले समय में कैसा चुनेंगे? हमको तो युवा ही चुनना है, युवा चुनना है, तो युवा क्योंकि उनके पास जोश रहता है, उनको काम करने का तरीका मालूम रहता है, लेकिन माहौल दोनों का है, लेकिन अब पता नहीं कौन भी वर्तमान में सरकार है। कितने संतुष्ट हो आप कांग्रेस सरकार? सरकार ने बढ़िया काम किया है, एक एक दारू का जो होता है कि दारू जो बंद होने वाला था वो बंद नहीं हुआ, वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नहीं तो वहाँ बाकी सब तो जो किसान का कर्ज माफी का था वो सब तो माफ़ किया सरकार ने। कितने संतुष्ट हो आप सरकार से? सरकार ने अच्छा काम किया, मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ, मैं आपको जो बताया वो दिक्कत है वो बताओ, कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे कुछ युवा हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मार्केट में बहुत से महिलाएं हैं जो मिल गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम दीदी? रेणु तिवारी। वोटिंग वगैरह करते हो? हाँ करती हूँ। कैसा विधायक का कार्यकाल? विधायक का कार्यक्रम भी अच्छा ही तो है, कर ही रहा है अभी अभी तक। आने वाले समय में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? वही चुनेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र यादव। अच्छा है उनका कार्यकाल? बहुत अच्छा। हमारे साथ अब यू नागरिक मन हावे ओकर मन से जानबो। अरे जी नारायण लाल पटेल। तो वोटिंग वगैरह करते हो आप? हाँ वोटिंग करबो ना। तो का माहौल लगत है आप मन के क्षेत्र में? अभी तो माहौल का तो अभी आगे तो अभी बढ़े नहीं है, का अभी जब यह आ ही ना तो प्रचार रफ्तार में बढ़े नहीं है प्रचार, मतलब अब माहौल अभी बता नहीं सकूँ। तो कैसे विधायक के कार्यकाल कैसे आप मन? विधायक कार्यकाल तो हमारा अभी अच्छा चला था, अभी ठीक है चला था। हाँ तो 15 साल बीजेपी शासन करी थी, अभी दो बार के आप मन के पांडे जी रही साहब पूर्व में विधायक रही थे, अभी वो फिर टिकट मिले हैं, अभी देवेंद्र यादव विधायक है, दोनों में से अगर देखो तो काकर कार्यकाल अच्छा लगे? पांडे कार्यकाल तो इसे ठीक है, बड़े नेता है नहीं क्या, बाकी अभी एकर कार्यकाल अभी सही चला था। ठीक है, आने वाला समय में कैसन टाइप की सरकार चाहिए? अभी कांग्रेस एक सरकार बनाबो। अच्छा लगा थे? अच्छा लगा थे। भूपेश सरकार से कतिक संतुष्ट हो आप? भूपेश सरकार के बहुत संतुष्ट हूँ, क्या है किसान के लिए 20 क्विंटल कर दे एक एकड़ में, एक वजह से किसान बहुत खुश है, बड़े बड़े गौथान बना रहे है, पेरा उरक सब पूरा बंदोबस्त कर रहे थे, सब चीज के ये कर रहे थे भूपेश सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार बने काम कर रहे बने काम कर रहे थे। आने वाला फिर कांग्रेस ला कांग्रेस आ ही आने वाला है।
कैसे माहौल का है चुनाव के वोटिंग वगैरह करता नहीं? वोटिंग करता ना जी। कैसे माहौल कैसे है? अभी कहाँ माहौल पता चल ही गा, अभी तो नामांकन नहीं हुए। दोनों पार्टी टिकट के नाम के हाँ, अभी कड़ी टक्कर है दोनों पार्टी के। ऐसे लगा तो दोनों बराबर के है और दोनों हाँ पिछले भी लड़े रही से। ये टाइम देखो यहाँ भिलाई में बदल थे है नी, एको गांव भिलाई रनिंग डबल नहीं आते, डबल नहीं आए तो पांडे जी के हाँ पांडे जी का एक संभावना है लगा थे आप लगा थे। हाँ कार्य कैसे रही पहली पांडे की? ठीक रही पहली तो कार्य अच्छा कर रही सो है और कार्य और अब ये कर कार्य कोई विशेष महत्वपूर्ण काम नहीं करे जैसे टंकी है वो आईटीआई ले आईआईटी और ये सब ये विशेष काम नहीं करे, खाली गाड़ी और नाली एक सिवाय कोई विशेष काम नहीं करे है। देवेंद्र यादव तो खाली सरकार दारू बेचे है। आप मन के बोले तरीका है कि मतलब आप मन के मानसिकता ये चले थे कि परिवर्तन हुई है, परिवर्तन चाहते हैं ना, होना चाहिए परिवर्तन, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा और कुछ वैसे जिन आप मतलब लगते कि होना चाहिए जिन हो नहीं पाई पाँच साल में? पाँच साल में जो बताते हो ना महत्वपूर्ण काम जैसे यहाँ हॉस्पिटल बने के रही से सौ बिस्तर के आईटीआई कॉलोनी में ग्राउंड में ओला पूरा कब्जा करा दीस तो वो कहाँ बन पाही है? वो महत्वपूर्ण काम रही से हॉस्पिटल जरूरी रही से उकर कार्यकाल में रही से हॉस्पिटल बनना है और परिवर्तन हो गए। पंद्रह के विधायक के साइड आते कुछ अवगत कराते हो नहीं कुछ समस्या मतलब? हाँ बिल्कुल अवगत कराते हैं विधायक। हाँ बिल्कुल समस्या के अवगत कराते हैं मगर ध्यान दी तब ना निराकरण नहीं हो पाते। आने वाले समय में बीजेपी लाबो परिवर्तन करबो, परिवर्तन संसार के नियम है। नियम है हाँ। अच्छा ये लोगन मनाबे प्रभा सोनी वोटिंग वगैरह करते हो आप? हाँ। कैसा विधायक का कार्यकाल? ठीक है। सामने चुनाव है हाँ। पांडे जी को भी टिकट मिला है हाँ। कांग्रेस में देवेंद्र यादव को मिला है हाँ। कैसा लग रहा है माहौल किसका है? ठीक है अच्छा लग रहा है। कौन आएगा? देवेंद्र भैया आना चाहिए। अच्छा क्यों देवेंद्र भैया क्यों? देवेंद्र भैया क्यों आएंगे बताओ? क्योंकि वो कार्य सब अच्छा अच्छा कर रहा है। भाजपा बीते 10 साल उनका कार्यकाल अच्छा नहीं था? नहीं अभी तो ठीक लगा हमको, अभी भी आगे भी ठीक चलेगा। और भी लोग हैं चपड़ा दिखाएगा क्या उसमें? क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम तारावती है। वोटिंग वगैरह करते हैं आप? करती हूँ। कैसा है माहौल इधर विधायक? बहुत अच्छा, विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं भाई। हम तो चाहते हैं वो हमेशा आए क्योंकि वो ऐसे मिलते हैं सबसे कि वो जो अपने परिवार जैसे ही लगते हैं, वो ऐसे टाइप में मिलते हैं। 10 साल भाजपा ने शासन किया, 15 साल किया, 10 साल नहीं तो उसमें हमको पता ही नहीं चला। नहीं उनको भी आप वोट देते थे हाँ। उनका कार्यकाल कैसा लगा? हमको समझ में ही नहीं आया उनको कुछ भी कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ये हमको समझ में ही नहीं आया। तब विधायक नहीं आते थे हैं? अभी के विधायक हाँ, तब विधायक से हम लोग मिल भी नहीं पाते थे। अभी तो वो ऐसे आते हैं कि वो हमारे ही परिवार के हैं, कोई ऐसी इस टाइप में आते हैं हाँ। तो चुनाव अभी उनको टिकट मिला है, कैसा माहौल इधर? बहुत अच्छा है माहौल, यहाँ का जो साफ सफाई जो माहौल है ये जो वातावरण बहुत अच्छा है। यानी पहले तो इतना कचरा रहता था, ऐसा माहौल था, अब बहुत अच्छा है यहाँ का। कोई समस्या जो अभी तक निराकरण नहीं हुआ है? नहीं, जो समस्या था वो भी आकर के वो हल कर दिए हम लोग जो अच्छा हाँ हम जो समस्या बताते हैं वो आके हल कर देते हैं। क्या नाम आपका? शिव साहू। तो यहीं से आप जी शंकर? कैसे विधायक के कार्यकाल जाना था हाँ, कैसे सरकार के कार्यकाल? ठीक है इसे ठीक है, ठीक है भाई। हाँ वोटिंग वगैरह करते हो नहीं? कर करता ना। क्या लगा थे क्या माहौल है ये बारी? अब देखता ना क्या माहौल है, इसे आना चाहिए विधायक लग फिर से दोबारा। हाँ कार्यकाल अच्छा लगा तो कर। हाँ अच्छा पांडे जी अभी बहुत टिकट मिले भाजपा ले ओकर कार्यकाल आप मतलब? हाँ ओकरो जमाना में रही से ठीक रहे पर, लेकिन ओकर जमाना में मतलब जो विकलांग मतलब सेवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई। लेकिन अभी का लगा थे पाँच साल में जिन आप मतलब सेवा मिल पाते? हाँ अभी सेवा जरूर मिला थे। पेंशन वगैरह की जो बात थी? पेंशन सन सब बराबर मिला था अभी हाँ। पाँच साल पहले नहीं मिला था? मिला रही से लेकिन उधर कम रही ना हाँ। अभी थोड़ा बढ़ी से रेट है। कांग्रेस सरकार से संतुष्ट हो आप मन? हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया काम। आने वाला समय में कैसा सरकार बता? अब सरकार अच्छा रही तो कांग्रेस रहना चाहिए भाई। हाँ हाँ ठीक है। क्या नाम है? सत्या बेहरा। तो वोटिंग वगैरह करते हो आप मन?
अरे भैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुमन पैदा नहीं हो तब के हूँ। कहाँ लगा था आपमन के क्षेत्र में माहौल, कहाँ है चुनाव है सामने? माहौल तो अभी कुछ काकरों ने पता चले है, अब पता चल जाए। दोनों पार्टी से अपन जैन प्रत्याशी उतार चुके हैं अभी अभी तो क्या है, अभी हमला बताया के बड़ी मुश्किल है, कैसे कावर होकर मन का लहर अभी आ ही नहीं तो देख, ये गलत है भी। लहर से आदमी मतलब अपन राजनेता नहीं चुनना चाहिए है ना, अपन जन नेता नहीं चुनना चाहिए, ऊपर कार्यकाल थे जैसे हमन अभी जाना था अपन 5 साल अभी कांग्रेस री से ऊपर पहली बीजेपी री से, बीजेपी दोनों में कैसे टाइप के आप मन देखते? अब हमारी नज़र में तो थोड़ा से जो हमारे छावनी विकास जो एरिए में जो विकास हुए है वो बीजेपी के द्वारा जितना काम हुआ है उतनी अपना कांग्रेस भी आए तो इतना नहीं दिखाया, भले दूसरे जगह किए होंगा ये बात नहीं कि नहीं बोल रहा हूँ। आप मन के क्षेत्र बताओ। हमारे क्षेत्र की इतना विकास नहीं हुआ जो होना था, जो छोड़े हुए बीजेपी कुछ काम छोड़ा था उसको अभी पूरे हुए ही नहीं है, क्योंकि 100 बेड के हॉस्पिटल के यहाँ डिमांड थी, भूमि पूजन हो गया था वो गया, इधर कुछ 2-3 और डिमांड था वो भी नहीं हुआ है, बाकी रोड वोड तो होता ही रहता है, इसका कोई नहीं है। ओंकार पटेल। वोटिंग वगैरह करता है? हाँ। कैसे माहौल रहा है? मैडम नॉर्मल है, उतना ये भी नहीं है अभी। काकर चलत है भी माहौल रहा? अभी यहाँ तो कांग्रेस के ज्यादा भी चलत है अभी। सब कांग्रेस बोला थे, कांग्रेस का पर अच्छा लगा तो ऊपर कार्यकाल है 10 साल बीजेपी के विधायक आप मन चुने रहे हो, कैसे अभी माहौल? वैसे तो दोनों ठीक रही से, लेकिन अभी का है ना कांग्रेस की ज्यादा अभी चलते, यहाँ रिपीट नहीं हुआ है अभी तक। हाँ। एक बार कांग्रेस आते एक बार बीजेपी आते। हाँ। अब कांग्रेस के तो 5 साल हो गया, अब काला गत बीजेपी आई, अब देखो अब तक तो अब का है, अब फिर बदल होते ही रहते, परिवर्तन तो चाहिए मतलब। हाँ, परिवर्तन चाहिए, होना चाहिए जी जी। कांग्रेस के सरकार से कतिक संतुष्ट? अब कांग्रेस की राहत में ही बहुत अकन चीज भी हुई से, अब देखते देखा था पूरा बदल गया, माहौल भी बदल गया छावनी के। 5 साल पहले कैसे माहौल रही था, अभी बदल के बोला तो वैसे ठीक ठाक नहीं रही बीजेपी शासन? नहीं वो हम ठीक रही इसमें, यह हम ठीक है, अब काय सरकार बदलते रही थे तो काय नियम बाय नियम चलते ही वैसे टाइप, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे मन सन कुछ महिला मन है ओकर मन से हम बात करबो। का नाम है दीदी? सुलोचना यादव। वोटिंग वगैरह करते हो आप? तो वोटिंग करते हो, कैसे विधायक के कार्यकाल बने ही? कौन हर विधायक जानते हो आप? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव आने वाला है चुनाव, अभी महीना भर में चुनाव है, कौन ला चुनो आप? अब देखो तब देखो कौन ला देबो थे, चुनाव नजदीक है तब देवेंद्र यादव आप मन देखते हो या पहले भी एरिया में आए हो? नहीं आते। हाँ। आते रही थी कार्यकाल होकर। हाँ, अच्छा। और पांडे अभी ओकर विरोधी में खड़े हुए बीजेपी ले, वह पहली विधायक रह चुके दो गाँव के, ओकर कार्यकाल ला कैसे देखो आप? ओकरो बने रही से मुकाबला टक्कर की हुई मतलब? हाँ हो ही। टक्कर की? हाँ, देवेंद्र यादव भी अच्छा है। हाँ। बहुत कुछ करे है डहान एरिया पर। हाँ। काय करे बता? अभी लाइट वाइट लगाई से, डोम बनवाई से, एमन में पथरा लगवाई से, भी बहुत कुछ। हाँ। करे है। आते इस क्षेत्र में आते आप? हाँ आते। बढ़िया आदमी। हाँ बन। सतीश महाविया है। हाँ, यहीं भिलाई से ही हूँ मैं, इसी क्षेत्र से हूँ। भिलाई में चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल अच्छा है, कांग्रेस पे है देवेंद्र भैया की तरफ। देवेंद्र भैया क्यों? हाँ, देवेंद्र उनका पांडे जी क्यों नहीं? काम बहुत अच्छा रहा है इसलिए। पांडे जी के कार्यकाल में कुछ नहीं था उस टाइम? अपन नहीं थे उस टाइम, बाहर गए हुए थे है ना, मतलब अभी देवेंद्र भैया का, देवेंद्र भैया पिछले उनका रहा है तो बहुत अच्छा कार्य रहा है, और उम्मीद है कि इस बार भी थोड़ा अच्छा ही रहेगा। आने वाले समय में कैसा सरकार आप देखना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार से संतुष्ट है? हाँ, कांग्रेस संतुष्ट है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस संतुष्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, कार्यकाल ठीक बहुत अच्छा है। ये लोगन मनहारी जैन अपन प्रतिक्रिया बताते कैसे ढंग के सरकार के कार्यकाल है तेला, तो ये रही समर आज भिलाई नगर विधानसभा की जैन छावनी क्षेत्र है, यहाँ के हम जनता मन से जाने कैसे ढंग के यहाँ के विधायक के प्रति का है एकर मन के भावना है। तो हमारी अपील है छत्तीसगढ़ कवरेज के टीम से, हम आप मन ले अपील करबो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मन वोट करो, सही प्रत्याशी चुनो, जेकर मन से आप मन अच्छा सरकार बनाओ, आप मन के उद्धार हो, आप मन के जिन समस्या थे निराकरण हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद।